हाय गाइस, कैसे हैं दोस्तों। काफ़ी लोगों के पास जो है लैपटॉप रहते हैं, डेस्कटॉप रहते हैं, पीसी रहते हैं, ये सारा चीज़ रहने के बाद जो है उसके बाद एक होम थिएटर भी रहते हैं। सो वो जो है जो है ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, यानी लैपटॉप को यानी पीसी को होम थिएटर से कैसे ज्वाइन किया जाता है उसको नहीं मालूम है। सो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं सो आप कंप्लीट सीख पाओगे कि कैसे हम जो है सिर्फ एक वायर की मदद से हम जो है अपने पीसी को होम थिएटर से कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी सॉन्ग सुनना है, जो भी साउंड निकाल लेना है वो आप होम थिएटर से ले सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर आप अलग अलग वीडियोस देखते हैं तो उसमें बताया जाता है कि आपको ये एप्लीकेशन यूज़ करना होगा, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। सो इस वीडियोस में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपके पास एक केबल जो है वायर रहना चाहिए, ओके। वो उस वायर से आप जो है अपने पीसी को जो है होम थिएटर से ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, ओके। सो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना इसी तरह टेक्निकल चीज़ को सीखने के लिए। अगर आपको अपने जो है पीसी से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको जानकारी करना है सो कमेंट पे आप जरूर बताना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और इंस्टा फेसबुक में फॉलो जरूर कर लेना, वहाँ पे आप मैसेज करोगे कुछ भी अगर टेक्निकल चीज़ आपको प्रॉब्लम आए सीखना है सो इंस्टा फेसबुक में फॉलो जरूर कर लेना, वहाँ से आप मैसेज करोगे तो मैं उसका जवाब आपको मिल जाएगा। सो चलिए पहले इस चीज़ को हम सीख लेते हैं। सो गाइज, इसके लिए आपको क्या करना है, एक वायर जो है इस तरह से आपको परचेज कर लेना है, या आप जो है ऑफलाइन दुकान में जो है मोबाइल का जो दुकान रहता है उसी पे अगर जाओगे आप सो उसको बोलना है कि एक जो है कनेक्टर वायर दे दो जिससे मैं अपने होम थिएटर को और मोबाइल से जो है यूज़ कर पाऊँ, चला सकूँ, ओके। सो इस तरह से आपको एक वायर ले लेना है, आपको पिन यहाँ पे देख लेना है इस तरह से, एक तरफ जो है दो पिन आपको जो देखने को मिलेंगे और एक तरफ जो है सिर्फ सिंगल पिन रहेंगे, ओके। सो इस तरह से आपको एक कनेक्टर वायर जो है ले लेना है, दुकान पर जाओगे आप बोलोगे कि एक जो है कनेक्टर वायर दे दो जो फोन पे और होम थिएटर से हम कनेक्ट कर पाए। सो इस तरह से आपको जो है वायर मिल जाएंगे जो है 10-15-20 रुपये में शायद मिल जाएंगे, ओके। सो इस तरह से आपको वायर ले लेना है और यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा जो है होम थिएटर है, इसी के साथ मैं अभी कनेक्ट करने वाला हूँ और यहाँ पे साथ में है पीसी है, ये दोनों को आपको कनेक्ट करना होगा। कैसे कनेक्ट करना होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर लेना। सो यहाँ पे जो है मेरा होम थिएटर है, इसके बैक साइड, ओके, हो सकता है कि ये पिन जो है आपके जो है होम थिएटर के फॉरेन साइड रहे यानी सामने रहे। सो अलग अलग जो होम थिएटर का अलग अलग जगह रहता है, इस होम थिएटर में बैक साइड है और आपका जो है होम थिएटर का हो सकता है कि फॉरेन साइड रहे, आगे रहे, ओके। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, दो पिन जो रहता है यहाँ पे रेड एंड वाइट, ये दोनों आपको यहाँ पे पिन जो है देखने को मिल रहा है वाइट एंड रेड, यहाँ पे देख सकते हैं। सो वाइट वाला आपको वाइट पे लगा देना है, ओके, एंड वाइट वाला वाइट पे लगा देना है और रेड वाला आपको रेड पे लगा देना है। इस तरह से आपको जो है कनेक्ट करना है, यानी अच्छे से आपको कनेक्ट करना है, ओके। अगर ढीला उला रहा, अगर सेट ना हुआ सही से सो हो सकता है कि आपके पीसी पे ये जो है ना वर्क करे। सो आपको अच्छे से ये दोनों पिन आपको यहाँ पे होम थिएटर पे लगा देना है, अच्छे से चेक इन कर लेना है, ओके। अब ये एक जो है सिंगल पिन रहता है उसको आपको क्या करना है, अपने पीसी के साथ कनेक्ट करना है। सो पीसी में आपको जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे देख सकते हैं साइड में, यहाँ पे आपको जो है तीन पिन जो है आपको यहाँ पे देखने को आ रहा होगा, इसी जो है तीनों पिन में से आपको जो ये वाला जो है यहाँ पे आप देखोगे इस पिन का एक जो है ऊपर की ओर एक यहाँ पे माइक टाइप का आपको शो अप हो रहा है और यहाँ पे अलग अलग है। सो ये सिंबल आपको देख लेना है जो माइक टाइप का रहता है, उसी पे आपको ये पिन जो है आपको इस पे कनेक्ट कर देना है, ओके। हो सकता है आप जो है यही पिन जो है सेम टू सेम आपके पीसी के फॉरन में भी रहे यानी सामने रहे, सो वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे आपको अच्छे तरह से इस पिन को आपको एडजस्ट कर लेना है, अच्छे तरीके से आपको सेट कर देना है एंड होम थिएटर का जो है यहाँ पे इसको भी आप अच्छे तरह से लगा देना है। अगर आप सामने की बात करें तो सामने भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सो सामने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं दो पिन है, दोनों पिन में से आपको यहाँ पे एक माइक वाला जो देखने को आ रहा है, इसी जो है इसी पे आपको क्लिक यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ओके। फॉरेन साइड या फिर बैक साइड दोनों जगह आप जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं, अच्छी तरह से आपको सेट कर लेना है दोनों पिन। सेट करने के बाद आपको जो है लाइट दे देना है, लाइट देने के बाद आपको पीसी भी ऑन करके रखना है, ये जो होम थिएटर में भी आपको जो है लाइट कनेक्शन दे देना है और कंप्यूटर को आपको ऑन कर लेना है। जब भी आप देखोगे ऑन करोगे सो उस पर जो है कनेक्ट हो जाएगा, आपको जो है सिंबल आएगा वहीं पर जैसे ही ऑन तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे कि ये जो आपका जो है साउंड वाला सिस्टम जो है कनेक्ट हो चुका है, ओके। सो इसी के माध्यम से आप जो है सिर्फ इसी वायर की मदद से आप जो है साउंड सुन सकते हैं अपने होम थिएटर के, ओके। पीसी का जो है जो भी साउंड है, जो भी आप वीडियो सॉन्ग जो भी आप चलाते हैं ये होम थिएटर में आप बड़ी आसानी से सुन सकते हैं। अगर आप ब्लूटूथ इस तरह से आप यूज करते हैं तो इसको आपको रिमूव कर देना है, ओके। रिमूव करने के बाद ही आपको साउंड जो है पूरा क्लियर आएगा एंड अगर फिर भी ना आए सो आपको क्या करना है, पिन को अच्छे से यहाँ पे जो है
सेट कर देना है। याद रखना पिन को अच्छे से आपको ध्यान देना है, ये प्रॉब्लम अगर आए तो पिन में ही आ सकता है, ऐसे ही नॉर्मली कुछ भी नहीं आएगा। सो इसी तरह से आप जो है अपने जो है पीसी के साउंड को आप होम थिएटर पे ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए, समझ ना आए, सो मेरा जो है चैनल का और दूसरा वाला वीडियोस है उसका लिंक आपको इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, जिस पे मैं आपको क्लियर टू क्लियर समझाया हूँ, उस वीडियोस को आप भी देख सकते हैं अगर इस पे आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो। ओके, आई होप कि आप समझे हैं और आपका वर्क सही से कर रहा है अगर आप ये चीज़ अगर आप लाइक किए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। अगर आपको किसी भी टॉपिक से जानकारी करना है तो कमेंट पर आप जरूर बताना है, मैं उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर।